गल में मेरे 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 वाइफ का यहाँ पे मौसीहर भी है। शराव गांव है यहाँ पे, कोई शरावे शरावे है। मेरी मेहरारू की मौसी भी इधर ही रहती है, शरावे में मेरी वाइफ की मौसी है। हो सकता वो लोग आए होंगे, टाइम नहीं मिल सकता क्योंकि मैं आप अपने घर पे नहीं जा पाता हूँ, तो फिर ससुरारी कहाँ जा पाएगा। लेकिन इस बच्चे ने बोला कि भैया चाहे 10 नुकसान हो जाए या 20 नुकसान हो जाए, आपको इस गांव के लिए आना है। मैं बोला कि चल तुम्हारी खुशी है, इस यहाँ पे आए हुए बहुत दिन हो गया था, मुझे लगा जो 10-12 साल से मैं आया नहीं हूँ। तो मैं सोचा कि बहुत सारे मोहब्बत इसकी शादी में आया था, मैं पल भर के लिए आया था फिर चला गया था। तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप लोग शांति से रहेंगे तो मैं कुछ गा दूंगा, क्योंकि मुझे निकलना भी है, मुझे यहाँ से लखनऊ जाना है, हैदराबाद पहुँचना है मुझे, कल फ्लाइट है मेरी सुबह 7 बजे की, तो मुझे निकलना पड़ेगा। मैं खुशी के लिए आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप लोग खुशी को इसे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। मैं बोला बैठ जाने के लिए, आप लोग बैठ गए, फिर दोबारा उठ गए। आइए, आया हूँ तो एक तो गा के ही जाऊँगा। अरे घाम लगता तू ता, अरे बहरा में करे लगता। क्या नाम है आपका? दीका। शीतल नाम है, कहते कि दीका दी कौन नाम रह गया। अभी कुछ नहीं, वो नंबर देने के बाद दी का नहीं समझ। सॉरी सॉरी भाई।